हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रेयस लाइफस्टाइल। सो आज का वीडियो होने वाला है फुल ग्लैम पार्टी मेकअप अंडर ₹350, वो भी विदाउट फाउंडेशन। सारे प्रोडक्ट्स होने वाले हैं अंडर ₹350। सो मैंने यहाँ पे ना फेस को ऑलरेडी वॉश कर लिया है। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट में यूज़ करी बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइजर। कोई भी मेकअप से पहले स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपका जो मेकअप का बेस हो ना वो एकदम फ्लॉलेस लगे। ऐसा ना हो कि कोई भी जगह ना ड्राई आउट लगे, मतलब अच्छा नहीं लगता वैसा फेस, उसी से ना क्रीजिंग होने का चांसेस रहता है। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर। ये मेरा फेवरेट इल्यूमिनेटर है। इससे ना बेस एक अलग ही ग्लो लाता है एंड बहुत अफोर्डेबल है। सारे प्रोडक्ट के प्राइजेस ऑन स्क्रीन मैं दे दूँगी, सिंस मुझे ठीक से याद नहीं है। बस इतना याद है कि सारे के सारे ना अंडर ₹500 तो है ही, प्लस मतलब और भी कम है उससे। नेक्स्ट पोर्स के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ NYBA का प्राइमर। ये एक सिलिकन प्राइमर है, बहुत अच्छे से ना पोर्स को फिल कर देता है। इनफैक्ट कोई भी मतलब बहुत फ्लॉलेस कर देता है फेस का बेस को। एंड आज मैं ये न्यू ब्लेंडर यूज़ करूँगी, नायका का ब्लेंड मास्टर। एंड ये वेट करने के बाद कितना बड़ा हो गया आप देख सकते हैं। सो मैं आज फर्स्ट टाइम ये लैक्मे का 925cc क्रीम भी यूज़ कर रही हूँ। तो मैं ना थोड़ा थोड़ा करके पहले ले रही थी कि मुझे लग रहा था कि ये शेड मेरा कम्प्लेक्शन का है ही नहीं, बट आफ्टर यूजिंग इट ना मैं देखी कि नहीं, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। एंड कोई भी फाउंडेशन या कंसीलर मैंने यूज़ नहीं किया है ये लुक में। सो ये ओनली सीसी क्रीम से ही मैंने क्रिएट कर लिया है। बेस काफ़ी पतला था, बहुत लाइट बेस था, येट बहुत ग्लोइंग लग रहा था। एंड आई स्वेयर गाइस, ये ब्लेंड काफ़ी अच्छे से हो रहा था। लाइक ठीक पहले मुझे लगा कि उतना अच्छा से नहीं हो रहा है, बट हाँ ब्लेंडर भी अच्छा था एंड ये लैक्मे का सीसी क्रीम भी काफ़ी अच्छा है। वैसे 925 का ना सारा प्रोडक्ट्स ही मुझे अच्छा लगता है। मैं बहुत बचपन में ना मम्मी यूज़ करती थी 925 का प्रोडक्ट्स, तब मैं देखती थी, तो या अभी भी अच्छा ही है 925 का प्रोडक्ट्स। तो हाँ बट एक लेयर के बाद ना पिगमेंटेशंस फिर भी दिख रहे थे, पिंपल मार्क्स वगैरह, तो मैंने थोड़ा सा और ले लिया सीसी क्रीम को एंड मैं थोड़ा और लगा रही हूँ। सो मैं ना फिर से स्प्रेड करूँगी एंड आफ्टर दैट ना नेक को भी मत भूलिएगा गाइस। तो मैं इसी से ना डैप करके लगा रही हूँ। ब्लेंडर से ब्लेंड करने का ना यही एक फंडा है कि जब भी आप ब्लेंडर से ब्लेंड करो तो प्लीज़ गाइस डैबिंग मोशन में ब्लेंड करो, अदरवाइज अच्छे से ब्लेंड वो नहीं होता है। एंड एक्सपोज्ड एरियाज में भी लगाना है उसे, सो दैट ना ऐसा नहीं लगे कि आपका सिर्फ फेस अच्छा लग रहा है एंड नेक एंड अदर पार्ट्स आर लुकिंग डल, सो दैट सब कुछ इक्वल लगे। सो ईयर्स, बैक, सब जगह लगा लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ करूँ स्टेक वर्की का कॉम्पैक्ट पाउडर। एंड यहाँ पे मैं जो ब्रश यूज़ करी वो है स्विस ब्यूटी का। ये भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको इनफिन सिंगल पीसेज में मिल जाएंगे। सो मैं फेस को पहले सेट कर लूँगी, पहले अंडर आइज को एंड देन फेस को। यहाँ पे मैं यूज़ करी NYBA का आई लव आई शेडो पैलेट। शेड नेम एंड प्राइस ना सब कुछ आपको ऑन स्क्रीन ही दिखेंगे। यहाँ पे मैं लाइट ऑरेंज एंड डीप ऑरेंज शेड दोनों मिक्स करके क्रीज को बिल्ड कर रही हूँ एंड लोअर लिड में भी मैं सेम कलर को अप्लाई कर रही हूँ, सेम शेड को अप्लाई कर रही हूँ। क्रीज बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत है, अदरवाइज ना मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का ये मेटलिक आई शेडो यूज़ करी। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, इट इज़ इन द शेड 1 शैम्पेन। एंड इसके साथ ही साथ ना एक मिरर मिल जाता है, आई थिंक ये बहुत पोर्टेबल भी है। एंड ये बटरी सॉफ्ट एंड इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है, ओ माई गॉड। एंड इस लुक के लिए ना बस इतना ही था गाइस। लाइक मैं इससे ज़्यादा और ये आई लुक को कुछ मतलब उतना ज़्यादा कुछ नहीं की कि और 2-3 शेड्स लगाओ वगैरह वगैरह, नथिंग। यही शेड को बस मैं अपने फिंगर टिप्स के हेल्प से ऑल ओवर माय आईलिड मैंने इसे अप्लाई कर लिया। ये शेड इट्सेल्फ इतना गॉर्जियस है कि आपको और कोई कलर्स लगेगा ही नहीं। एंड इनर कॉर्नर्स को भी मैंने अप्लाई कर लिया है, जैसे आप देख सकते हो ना इट इज़ लुकिंग सो फ्लॉलेस। लाइक अगर आपके पास थोड़ा सा कम टाइम है आप इसी से अपना हाइलाइटर एंड इवन आई शेडो तो हो ही जाएगा काम। ब्रिज ऑफ माई नोज में भी मैंने अप्लाई कर लिया इसे एज माई हाइलाइटर। एंड एक्चुअली मैं जस्ट टेस्ट कर रही थी तो इट केम आउट टू बी वेरी गुड। एंड नॉर्मल ब्रश से ना मैं फिर से थोड़ा सा ब्लेंड कर ली सो दैट कोई भी हार्शनेस ना दिखे आई शेडोज़ का या कोई भी कलर का। नेक्स्ट एप मैं NYBA का कोल लाइनर, मैं काजल ली हूँ तो उसी से मैंने अपने टाइट लाइन में अप्लाई कर ली हूँ, बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू यूज़ एनी आई लाइनर, क्योंकि आई लाइनर अप्लाई करने का ना फास्ट मेकअप अगर आप कर रहे हो, क्विक मेकअप के लिए आई लाइनर अप्लाई करने का टाइम नहीं रहता है। सो मैं जस्ट ऊपर की तरफ ड्रैग करती हूँ अपने आईलिड को एंड टाइट लाइन में मैं अप्लाई कर लेती हूँ। नाउ गाइज, ये है मेरा फेवरेट मोस्ट अफोर्डेबल
मस्कारा, ये मस्कारा आप एक कोट के बाद ही देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है, आप विजिबल रिजल्ट देख सकते हो मेरे राइट आई एंड लेफ्ट आई में। सो मैं फिर से सेकंड कोट अप्लाई कर रही हूँ एंड जस्ट सी गाइज, कोई फॉल्सेस अप्लाई करने का दरकार ही नहीं है। नेक्स्ट मैं अपने सेम अदर आई में भी मैं अप्लाई कर लूँगी एंड गाइज लोअर लैशेज को भी मत भूलिएगा अप्लाई करना। सो आई जस्ट लव दिस। नेक्स्ट आईब्रोज के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकॉनिक आईब्रो पेंसिल। इसके साथ ना स्पूली भी आ जाता है, सो इट इज़ वेरी पोर्टेबल, छोटा सा है। सो मैं फर्स्ट में स्पूली से अच्छे से ब्रश कर लूँगी आईब्रोज को एंड सिंस मेरा आईब्रोज ऑलरेडी बुशी है सो मुझे और थिक नहीं चाहिए, तो मैं जस्ट थोड़ा सा जहाँ पे मेरा स्पर्स एरिया है ना वहाँ पे जस्ट ड्रॉ कर ली हूँ थोड़ा सा, थोड़ा सा लेंथ दे दी हूँ। ये है मेरा मेबलिन का करंट फेवरेट सेंसेशनल मैट लिपस्टिक, ये लिक्विड मैट लिपस्टिक है एंड ट्रस्ट मी गाइज बहुत देर तक रहता है लिप्स में एंड ये छूटने के बाद भी ना एक अलग सा टिंट छोड़ देता है विच आई जस्ट लव इट। ये एक परफेक्ट न्यूड शेड है फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए एंड शेड 11 है, बाकी का नाम मुझे उतना याद नहीं है बट ऑन स्क्रीन आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड मैंने ना यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स शो किए हैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे रहेंगे, कुछ मिंत्रा से हैं, कुछ नायका से हैं, ओके कुछ अमेजन से भी है। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैं मोस्ट अफोर्डेबल येट बहुत अच्छा इनसाइट का ये मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा मेकअप फिक्सर है ना, मतलब स्विस ब्यूटी का जो मेकअप फिक्सर है ना वो बहुत ग्लोइंग बना देता है एंड ये ग्लो भी करता है बट उतना ज़्यादा ऑयली नहीं करता है फेस को। या फिर मैं हाइलाइटर्स ना पहले ब्रश से यूज़ कर रही थी वो सेम आई शेडो से, बट आफ्टर दैट मैं देखी कि नहीं, ये बेस्ट होता है फिंगर से ही अप्लाई करना एंड देन मैं फ्लफी ब्रश जो पाउडर ब्रश था उसी से मैं थोड़ा सा जो एक्सेस था प्रोडक्ट्स उससे मैं थोड़ा सा ब्रश कर लिया एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइज। एंड ये कोरियन क्लिप सेट का ना मैं ऑलरेडी एक शॉर्ट्स दे चुकी हूँ यूट्यूब में, आई होप आपको ये वीडियो एंड ये लुक अच्छा लगा हो। सारे प्रोडक्ट के लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, टिल देन टेक केयर, टाटा एंड प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब।